मदन सेन नामक एक राजा थिले। बयसरे सिना तरुण हेले से थिले अत्यंत साहसी और वीर, विनयी और नम्र गुणर अधिकारी। से थिले जणे प्रजावत्सल राजा। से प्रजा को बहुत भल पाउथिले। हेले विनयी गुणटी महामंत्री को भल लागुनथिला। से भावुथिले जे विनयी गुणटी राजांकर दुर्बलता, साधारण प्रजा मानंक सहित राजांकर विनयी व्यवहार यथार्थ नुहे, कारण साधारण प्रजा भाविबे जे तांकर राजा दुर्बल। तरुण राजा एहा सुनिले ओ कहिले, महामंत्री आपण मो पितांक सबुठारु घनिष्ठ परामर्शदाता थिले, आपणंक परामर्शक मध्य मु श्रद्धार सह ग्रहण करे, किंतु ए व्यापारे मो मत भिन्न, कारण मो पिता मते गोटे कथा कहिथिले जहा मु सर्वदा पालन करे। मो पिता थरे कहिथिले, तुम पाखरे कौन अछि ताहा किछि मूल्य रखे, कारण से सब परिस्थिति चक्रे अन्य द्वारा अपहृत हो पारे। काल चक्रे जणे तार धन सम्पत्ति प्रतिपत्ति आदि हराई दे पारे, कारण यह स्वल्पस्थायी। तेणु तुम्हें निज जीवन काल रे कौन आहरण करिछ ताहा गुरुत्व रखे ना, जहाँ गुरुत्व रखे ताहा होची तुम्हारा गुण बा तुम्हें कौन, तुम्हार अस्तित्व कौन, तुम्हार गुण आचार व्यवहार यह दीर्घस्थायी, जहाँ तुम ठार् छड़ाई नहीं पार ना, तेणु तुम्हें से ही अनुसार निजक बढ़। राजा कथा को शुणी मंत्री किसी कहले ना, किंतु राजा प्रभाव को सी लक्ष्य कर पारे। जे क्षमताधारी अर्थात राजा विनयी हेले, प्रजा किमी आपणा चाहे हृदय दे वसंबद हो जाती मंत्री महाशय राया।